हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और अभी देखिए फ्रेंड, दोपहर का टाइम हो रहा है। आज जो है मेरे घर में लंच में बनेगा वेज बिरयानी, तो इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, गैस पे जो है कढ़ाई बिठा दिया गया है। और ये देखिए, ये जो है कटा हुआ है तो बीन्स है और गाजर है और शिमला मिर्च है। और ये देखिए प्याज जो है कट रहा है। और ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो उसमें डाल दिए हैं रिफाइन ऑयल। और ये जो वेज बिरयानी बना रहे हैं, तो मेरे जो छोटी वाली ननद है तो वो और उसके जो है हस्बैंड बना रहे हैं मिलकर। तो मैं जो है देखिए फैन वहीं पर देख रही थी। तो ये देखिए फैन, पहले जो है रिफाइन ऑयल डाल के देखिए, पहले जो है बीम्स को जो है ये भूनेंगे, इसे पहले फ्राई करेंगे अच्छे से। और फिर देखिए फ्रेंड, वो जब थोड़ा सा भून गया था बीन्स, तो इसमें डाल दिए हैं कटा हुआ गाजर। और फिर इन्हें जो है थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देंगे, इन्हें भी अच्छे से भूनेंगे। और फिर देखिए फ्रेंड, इसमें डाल दिए हैं शिमला मिर्च। और इन सबको अच्छे से जो है फ्राई करेंगे। और उन सबको जो है देखिए फ्रेंड निकाल चुके हैं एक प्लेट में। और फिर देखिए रिफाइन ऑयल फिर से डाले हैं। और फिर इसमें डाल दिए हैं कटा हुआ प्याज, तो इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और देखिए फ्रेंड, जब प्याज जो है ब्राउन हो चुका था, तो उन्हें भी एक प्लेट में निकाल लिए। और फिर से इसमें डाले हैं रिफाइन। और फिर से देखिए, ये जो चावल है इसे जो है धो करके देखिए इसमें डाले भूनने के लिए। तो इसे थोड़ा देर जो है इसे भी फ्राई करेंगे। और इसे जो है बीच बीच में जो है चलाते रहिए। और ये जो दूसरे गैस पे जो डेक्ची रखा हुआ है, तो इसी में बनेगा। और देखिए फ्रेंड, ये जो सारी जो वेजिटेबल जो फ्राई करके रखे हुए थे, तो उसमें जो है मसाले वगैरह नहीं डाले थे, तो अब डाल चुके हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और डाल देंगे इसमें नमक। और इसे देखिए फिर से कुछ देर भूनिए हैं। और ये कढ़ाई को जो है देखिए, और दूसरे गैस पे ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें जो है डेक्ची चढ़ा देंगे बड़ा वाला, क्योंकि इसी में जो है बनेगा वेज बिरयानी, उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड, कढ़ाई जो है गर्म हो रहा है। जब ये कुछ देर गर्म हो गया, तो देखिए इसमें जो है डालेंगे रिफाइन ऑयल। और फिर जो है इसमें जो है डालेंगे खड़े मसाले। देखिए फ्रेंड, रिफाइन गर्म हो चुका, तो इसमें जो है देखिए खड़े मसाले डाल चुके हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें देखिए इसमें डाल दिए हैं। तेज़पत्ता, और इसमें डाल दिए हैं कुछ पानी, और इसमें और पानी लगेगा। इसमें जो है अभी और पानी डालेंगे। और फिर जो है पानी को जो है ढक करके इसमें देखिए नमक जो है डाल दिए हैं और थोड़ा सा। और फिर ये पानी को जो है ढक करके खोलने के लिए छोड़ देंगे उबलने के लिए। जब ये पानी उबल जाएगा, तभी जो है सभी चीज़ें फिर से डालेंगे।
ये देखिए फ्रेंड पानी को जो ढककर छोड़ दिए हैं। ये पानी में जब उबाला जाएगा तभी ये सब चीज़ें डाली जाएंगी उसमें। ये काजू किशमिश और ये भुना हुआ प्याज है इसमें। तो देखिए फ्रेंड पानी जो है उबाल आ चुका था पानी में, तो देखिए इसमें जो है चावल डाल देंगे और जितने वेजिटेबल जो है देखिए फ्राई करके रखा हुआ है तो वो भी उसमें जाएंगे। देखिए उसमें सारे वेजिटेबल भी चला गया और ये देखिए ड्राई फ्रूट वगैरह जो है कट करके जो रखे थे वो सभी चीज़ें देखिए डाल दिए हैं इसमें। और इसे देखिए अच्छे तरीके से जो है मिला दिए हैं और इसे जो है थोड़ा देर फिर पकाएंगे ढक करके। तो ये देखिए फ्रेंड चावल जो है पक चुका था, तो ये देखिए वेज बिरयानी तैयार हो चुका है बनकर। देखिए फ्रेंड ये जो है पक चुका है अच्छे तरीके से और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखिए फ्रेंड मैं जो है लगा रही हूँ प्लेट, क्योंकि इसे बनाने में जो है बहुत टाइम लग गए थे। तो देखिए फिर मैंने लगा दिया है प्लेट, वेज बिरयानी है, चिकन है और सलाद है। तो ये है हम लोगों का लंच, आप लोग भी खा लीजिए। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी फ्रेंड, बाय बाय।